आज इस वीडियो में मैं आपको इनकी जो कॉटेज है इसके रिफिल का तरीका बताऊंगा, और दो तरह के कॉटेज में आपको चेक करवाऊंगा जो आजकल आ रहे हैं मार्केट में और प्रिंटर्स में इंस्टॉल होते हैं। जैसे कि हमारे पास 2035 प्रिंटर जो हमने जिसकी हमने आपको सर्विस करना सिखाई, इसी तरह अब हमारे पास इसका कॉटेज है जिसको रिफिल करना, और इसके पार्ट्स के बारे में बताऊँगा और इससे क्या क्या फॉल्ट आते हैं उसके बारे में बताऊँगा। अच्छा, खोलने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बता दूं कि कॉटेजेस में जब भी टोनर एम्प्टी होगा तो आपका प्रिंट लाइट आएगा या कॉटेज शो करेगा कि कॉटेज आप चेंज कर दें। इसके ऊपर चिप लगी हुई होती है, चिप आपको बताती है कि इसकी लाइफ क्या है टोनर्स की और ये क्या कितनी यील्डिंग दे रहा है और इस वक्त इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है। अब इसके आते हैं, इसके अंदर एक ड्रम है जो कि आपके फोटो कनेक्टर यूनिट कहलाता है, फोटो कनेक्टर ड्रम हम इसे कहते हैं। इसका काम प्रिंट इमेज को जो है वो फाइन बनाना है। प्रिंट इमेज जो है यहाँ पर सबसे पहले यहीं पर चार्ज के ज़रिए प्रिंट बनता है और उसके बाद आगे पेपर पर ट्रांसफ़र होता है। अगर इसमें किसी वजह से भी आपके कोई डस्ट के पर्टिकुलर या फिर आपकी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हार्ड फॉर्म में है वो इसके साथ टच होगी या डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर लगेगी तो ये डैमेज हो सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। आपने जब भी आपने इसको सर्विस करना है या रिफ़िल करना है तो आपने इस ड्रम को, इस सरफेस को बड़े आराम से और आप कह लेंगे इसको नाजुक तरीके से, बड़ा नाजुक होता है ये, इस पर कोई भी स्क्रैच पड़ जाए तो आपके प्रिंट पर वो वाजे हो जाएगा। तो आप इसको जब भी निकालें तो बड़े एहतियात से निकालना है आपने। जब ड्रम ख़राब हो जाता है और ख़राब होने के बाद इस ड्रम को रिप्लेस करना ही ज़रूरत होता है, जब भी इसके ऊपर कोई स्क्रैच आ जाए या पॉलिश की ज़रूरत होती है आप ब्रशों से पॉलिश करके देख लें, अगर वो स्क्रैच जो निशान है आ रहे हैं प्रिंट पर आपके वो चले जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको रिप्लेस करना ज़रूरी होता है। ये कंज्यूमेबल में आता है, चूँकि ये इस वक्त प्रिंटर के अंदर चाइना की एम्प्टी लगी हुई है तो यहाँ से निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है। जो ओरिजिनल एम्प्टी होती है उसमें एक स्क्रू होता है, उसे आप ओपन करेंगे तो ये इजीली बाहर निकल जाएगा। इसको आप देखें, इसके अंदर एक चार्ज रोलर लगा हुआ होता है जिसको हम PCR कहते हैं, प्री चार्ज रोलर। ये ड्रम को रिफ्रेश करके चार्ज करता है दोबारा प्रिंट इमेज को बनाने के लिए। इसको हम निकाल लेंगे, इसको निकालने के लिए आपके पास ट्वीज़र होना चाहिए या आपके पास नोज प्लायर अच्छी नस्ल का होना चाहिए। इसको भी आपने पानी के ज़रिए, थोड़ा सा पानी आप किसी साफ़ कपड़े पर लगा कर इसको साफ़ कर सकते हैं। इसकी वजह से भी प्रिंट पर प्रॉब्लम आ सकती है, अगर ये ख़राब हो जाए तो लाइनिंग्स वगैरह आती हैं और डॉट वगैरह आ सकते हैं। इसको आप गीले कपड़े से, लाइट सा मतलब है, सिर्फ वेट कपड़ा हो और उससे आप इसको क्लीन कर लीजिए। इसके क्लीन करने से इसके स्क्रैच वगैरह ख़त्म हो जाते। कॉटेजेस के साइड पर दो पीने होती हैं, उनको आपने ओपन करना है। यहाँ से आप इसको ओपन कर लीजिए। आपने किसी भी फ्लैट स्क्रू ड्राइवर से पहले इसको कॉटेज के अंदर से पुश करना है। दूसरी पिन का मैं आपको पुश करने का तरीका बता देता हूँ दूसरी साइड से। पहले आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर एक आपको स्टील की पिन सी नज़र आ रही होगी, ये पिन देख लीजिए। इस पिन को आपने थोड़ा सा फ्लैट स्क्रू ड्राइवर से पुश करेंगे आगे की तरफ इस तरीके से, तो ये पुश होकर थोड़ी सी आगे की तरफ आ जाएगी। तो इसको आप फिर ईजिली नोज प्लायर से बाहर की तरफ, कटर से या नोज प्लायर से आप इसको बाहर की तरफ खींच लीजिए। ये बेसिकली इसके अंदर इसको होल्ड करके रखता है कॉटेज को, टोनर कॉटेज को ड्रम कॉटेज के साथ। ये आपने ओपन कर ली, ये सेकंड दूसरी साइड की पिन है, यहाँ से आप इसको ओपन कर लीजिए। ये ओपन हो गई है, देखिए मेरे जो लेफ्ट हैंड में है ये इसका क्लीनिंग यूनिट है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपको टोनर नज़र आ रहा होगा ये, और एक इसमें लगा हुआ है क्लीनिंग ब्लेड। क्लीनिंग ब्लेड भी जब ख़राब होता है या एक्सपायर होने लगता है तो प्रिंट के ऊपर लाइनें, ड्रम को आपके डैमेज करेगा, प्रिंट को ख़राब करेगा, प्रिंट के ऊपर स्पॉट कह रहा हूँ छींटे वगैरह आएंगे, वो इनकी इसी की ही वजह से आते हैं। इसको हम ओपन कर लेंगे और इसको क्लीन कर सकते हैं। ये कंज्यूमेबल में आता है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, रिक्वायर्ड है तो आप इसको चेंज कर दीजिए। इसको दो स्क्रू इसके खुलते हैं और ये ओपन हो जाता है। इसको आप जब भी रिफिल करें आप इसको ब्लोर भी कर सकते हैं, इसको ब्लोर कर लें तो अच्छे तरीके से ये क्लीन हो जाएगा। ये इसका टोनर टैंक है और टोनर टैंक के ऊपर ये मैग्नेटिक रोलर लगा हुआ है जिसको MG रोलर हम कहते हैं। इसको क्लीन करने से, साफ़ करने से प्रिंट की क्वालिटी अच्छी होती है। इसके ऊपर डॉक्टर ब्लेड है, डॉक्टर ब्लेड जो है वो इसको बैलेंस करने के काम आता है कि टोनर्स की कितना रिक्वायर्ड है मैग्नेट रोलर को, वो उतने पर इसको फिक्स कर दिया जाता है। आप इसको रिफ़िल करने के लिए, क्योंकि ये चाइना की एम्प्टी है, इसको हम लॉक्स वगैरह तोड़े जाते हैं इसके और फिर इसको रिफ़िल किया जाता है।
तो आप यहाँ से लॉक्स वगैरह भी तोड़ सकते हैं। ओरिजिनल एम्प्टी हो तो उसमें स्क्रू होते हैं, इसके अंदर एक स्क्रू लगा हुआ होता है, ये स्क्रू को ओपन करें तो इसकी एम्प्टी ओपन हो जाती है, लेकिन ये चूंकि चाइना की एम्प्टी है तो इसको हम तोड़ेंगे। ये मैग्नेट रोलर की बेस वगैरह यहाँ पर डी कट बैठता है। अच्छा, इसको जब हम ओपन करेंगे तो यहीं से मैग्नेट रोलर वाली जगह से ही हम इसके अंदर टोलर इंस्टॉल कर देंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि शॉर्टकट के लिए हम यहाँ पर होल कर देते हैं, होल करने के बाद यहाँ से टोनर डालते हैं और टोनर डालने के बाद इसको किसी भी सिलिकॉन से हम यहाँ पर इसको दोबारा बंद कर देते हैं जहाँ पर लॉक लगे हुए पिन लगी हुई है। इसको पिन को यहाँ पर आप लगा लीजिए और उसी साइड से भी आप इसी तरह इस पिन को, आप जब पुरसकून तरीके से काम करेंगे ना किसी भी चीज़ को देखकर, डीपली उसको देखकर, तो आपको खुद पर खुद काम बताएगा कि इसको ऐसे ऐसे आपने सर अंजाम देना है। अच्छा जी, ये कॉटेज इस वक्त बंद हो गया है, ये देख लीजिए। अब हम इसको देख लेंगे कि ये सही तरीके से बंद हुआ है। ये देखें, ये हमें चेक करने से पता लग गया कि कॉटेज सही तरीके से, और फिर हम ड्रम को भी रोटेट करके देख लेंगे कि ड्रम सही रोटेट हो रहा है, तो इट्स मीन आपका ये कॉटेज कंप्लीट हो गया। जी दोस्तों, इस वीडियो में आज मैंने आपको कॉटेज को रिफ़िल करने का तरीका बताया। इसी तरह इसी मेथड पे सब कॉटेजेस जितने भी लेज़र जेट के होते हैं वो रिफ़िल होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन आते रहें। कॉपी.pk से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।